हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन गुरु कैंपस। तो ऑनलाइन गुरु कैंपस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऑनलाइन गुरु कैंपस एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, एक नई शिक्षा संस्था है। तो दोस्तों, आज है 12 जून और 12 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि हाल ही में विश्व बैंक ने जो है पश्चिम बंगाल को कितना कर्ज देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1950 करोड़ रुपया लगभग जो है विश्व बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को जो है देने की घोषणा की है। दोस्तों, इसमें टू द पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा, मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ बताने जा रहा हूँ। कि पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा कि विश्व बैंक ने जो है ना पश्चिम बंगाल को यह कर्ज कोरोना संकट और राज्य विकास कार्यों के लिए क्या किया दिया है। और दूसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की जो है CM ममता बनर्जी, इनकी कुल राशि में से जो है 850 करोड़ रुपये लगभग कितनी 850 करोड़ रुपए जो है विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगा। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की जो हाल ही में मुख्यमंत्री वो कौन है, तो वो है ममता बनर्जी, सभी जानते होंगे। और हाल ही में पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उसका नाम है जयदीप धनखड़, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और बात करते हैं हम लोग विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, और इसकी मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो मुख्यालय इसकी है वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके हाल ही में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, डेविड माल्पस। कौन है, डेविड माल्पस, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थल यानी डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप करीब 36,000 फीट तक की सतह तक पहुंची है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग कि दुनिया की जो है सबसे पहली महिला कौन बन गई है जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थल डीपेस्ट पॉइंट को जो है करीब 36,000 फीट तक की सतह तक पहुंचने का क्या किया, कीर्तिमान हासिल किए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर कैथी सुलिवान नामक जो एक लेडीज है उन्होंने यह कीर्तिमान हासिल किए। तो टू द पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि पहला पॉइंट इसमें यह है कि डॉक्टर कैथी ने जो है ना 7 जून को यह उपलब्धि हासिल की है। कब हासिल की है, तो 7 जून को यह उपलब्धि हासिल की है। और उनके साथ विक्टर एल नाम करके एक व्यक्ति थे जो उसके साथ वेस्को भी गए थे, यानी उसका जो नाम था व्यक्ति का विक्टर एल वेस्को जो है उसके साथ गए थे। और दोनों जो है ना चैलेंजर डीप पर करीब 1.5 घंटे जो है बिता के आए हैं, यानी इतना घंटा बिताए हैं। और दूसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी की सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप करीब 36,000 फीट तक पहुँचने वाली जो है पहली महिला बन गई है। तो ये क्वेश्चन में ही है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसमें इम्पोर्टेंट ये बन जाती है दोस्तों कि पृथ्वी के सबसे डीपेस्ट पॉइंट यानी 36,000 फीट के नीचे जो है पहुंचने वाली पहली महिला तो बन ही गई है, साथ ही में ये जो है 8वीं ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने यह कीर्तिमान हासिल किया है। और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा करने वाली वह दुनिया की 8वीं व्यक्ति हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है कि किस जगह को उत्तराखंड की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का शासनादेश जारी हुआ है, यानी जो है किस जगह को, यानी उत्तराखंड के किस जगह को उत्तराखंड की है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का शासनादेश या फिर आदेश जारी हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गैरसैंण। उत्तराखंड में एक गैरसैंण नामक जगह है, वहीं पे जो है या फिर उसी जगह को उत्तराखंड की ग्रीष्मकाल राजधानी घोषित कर किया गया है। तो टू द पॉइंट आप लोग इसमें ये याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तराखंड में जो है ना राज्यपाल की मंजूरी के बाद जो है इसका दूसरा नाम, इस जगह का गैरसैंण का एक दूसरा नाम है भराड़ी सैन, यानी गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए आदेश जारी किया है। और दूसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि हालांकि जो है CM
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है मार्च में ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया था। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड के सीएम है वो उन्होंने मार्च में ही यह घोषित कर दिया था। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो गैरसैंण जगह है वो देहरादून से करीब 260 किलोमीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है तो 260 किलोमीटर की दूरी पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में कोरोना से बचाने वाले एलईडी मास्क बना, उस एक मास्क की जो है कीमत कितने रुपये हैं लगभग में। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो कोरोना से बचाने वाले एक एलईडी मास्क बनाई गई है जिसकी कीमत लगभग एक मास्क की 3800 रुपये होती है। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि जो पहला पॉइंट है वो आप लोग ये याद रखिएगा कि मास्क को जो है गेम डिजाइनर और प्रोग्रामर टेलर ग्लेयर ने जो करीब एक महीने की मेहनत के बाद तैयार किया। दोस्तों याद रखिएगा कि मास्क को गेम डिजाइनर और प्रोग्रामर जो है टेलर ग्लेयर ने जो करीब एक महीने तक मेहनत करके बनाई है। कितनी मेहनत करके? एक महीने तक लगभग काम किया और बनाई है। और दूसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि कपड़े के इस मास्क में 16 एलईडी लाइट लगी है। कितनी लगी है? 16 एलईडी लाइट लगी है जो इंसान के अलग अलग एक्सप्रेशन की या फिर एक्सप्रेशन को दिखाती है। जिसे खास बात यह है इस एलईडी की या फिर इस मास्क की कि फ्री प्रोग्रामर टेलर ग्लेयर के मुताबिक मास्क में जो है वॉइस चेंजर लगा है, यानी ये वॉइस चेंज भी कर सकता है। यानी कही जाए तो ये मास्क जो है इंसान की हरकतों के साथ साथ वॉइस चेंजर भी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है कि टीवी शो के किस एक्टर का हाल ही में निधन हुआ है। यानी टीवी शो के किस एक्टर का हाल ही में निधन हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जगेश मुकाती का हाल ही में निधन हो गया। मैं आपको जगेश मुकाती का एक फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए, ये है जगेश मुकाती, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। तो टू द पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि जो जगेश मुकाती जी थे या फिर श्री जागेश जो मुकाती जी थे वो श्री गणेश टीवी शो के एक्टर थे और अस्थमा और सांस की तकलीफ के कारण जो है 4 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। दोस्तों टू द पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा, पहला पॉइंट कि बॉलीवुड मूवी जैसे कि हंसी तो फंसी, आमिर खान की मन और पीके जैसी छोटे रोल में भी ये नज़र आने वाले हैं, मतलब नज़र आए थे, इन्हीं का हाल ही में निधन हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बोर्ड से यह फैसला लिया गया कि इस साल जो है एक भी एग्ज़ाम नहीं होंगे या फिर इस साल नहीं होंगे एक भी एग्ज़ाम। यानी हाल ही में किस बोर्ड ने यह ऐलान किया है कि 2020 में एक भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूपीएससी। यानी यूपीएससी ने यह फैसला या फिर यह ऐलान किया है या फिर यह फैसला ही माना जाएगा, तो फैसला किया है कि 2020 में एक भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो क्यों? टू द पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि वित्त मंत्रालय की ओर से जो है ना किसी भी जो है रिक्ति की सूचना नहीं मिलने के कारण यह फैसला लिया गया है, क्योंकि वित्त मंत्री द्वारा ही यूपीएससी की जो है भर्तियाँ जो है होती है। और दूसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि यूपीएससी आदर्श एग्ज़ाम की बात करें तो यूपीएससी सिविल सर्विस प्री एग्ज़ाम जो है 4 अक्टूबर को होगी। जो प्री की एग्ज़ाम है वो 4 अक्टूबर को होगी और मेन एग्ज़ाम जो है या फिर जो यूपीएससी की मेंस की जो एग्ज़ाम है वह 8 जनवरी जो है 2021 को होगी। तो आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा दोस्तों कि जब वित्त मंत्रालय द्वारा जो खाली मतलब खाली पद नहीं है उसी के कारण यूपीएससी द्वारा यह फैसला लिया गया है कि जो 2020 में जो है एक भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का सातवां क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार किस देश के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं, थोड़ा इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि हाल ही में जो है 4 जून 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी और जो है ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ जो है एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।
और दोस्तों याद रखिएगा कि आप लोग जो है ना भारत द्वारा आयोजित होने वाला यह जो है पहला वर्चुअल जो है द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है। टू द पॉइंट दूसरा आप लोग इसमें ये याद रखिएगा दोस्तों कि दोनों देशों के बीच जो है ना कुल 9 समझौतों का जो है समापन किया गया, जिसमें व्यापक रणनीति साझेदारी यानी CSP और पारस्परिक रसद सहायता या समझौता यानी MLSA शामिल है। तो इस CSP और MLSA जो है ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो इस वर्चुअल जो भारत द्वारा पहली वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ उसमें ये जो है मुद्दे पे बात हुई। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है कि हाल में अमेरिका वायुसेना के पहले अश्वेत प्रमुख कौन बने? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर्स को जो है हाल ही में अमेरिका वायुसेना के पहले जो है अश्वेत प्रमुख बना दिए गए हैं। तो दोस्तों टू द पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा कि अमेरिका सीनेट ने जो है अश्वेत शख्स जो जॉर्ज प्लाइट की जो मौत के कारण जो जारी प्रदर्शनों के बीच जो है सर्वसम्मति से इसे वायुसेना के प्रमुख जो है बनाया गया है। दूसरा दोस्तों पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दूसरा पॉइंट कि जो अमेरिकी सेना में जो है आंकड़े के मुताबिक लगभग 18.7% जो है अश्वेत जवान हैं, ये एक आंकड़े के मुताबिक है। और दोस्तों अफसर की बात करें अमेरिकी सेना में तो लगभग 71.6% जो है श्वेत अफसर हैं, जबकि जो है 8.8% जो है अश्वेत अफसर हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि अमेरिका वायुसेना की, तो अमेरिका वायुसेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो है पेंटागन में, और इसकी जो आदर्श वाक्य है वो है एम हाई फ्लाई नाइट एंड विन। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों आदर्श वाक्य इसका याद रखिएगा कि एम हाई फ्लाई नाइट विन। दोस्तों बात करते हैं अमेरिका वायुसेना जो एक्टिव हुई थी कब से हुई थी? तो 14 सितंबर 1949 को जो है अमरीकी वायुसेना एक्टिव हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं कल फिर हम लोग 13 जून के करंट अफेयर के साथ। तो कल फिर हम लोग को 4 बजे सुबह डेली सुबह जो है हमारा करंट अफेयर्स में मुलाकात होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।